पूजा जी हैं अगली कॉलर हमारे साथ, स्वागत है आपका। दोबारा बोलेंगे। हेलो हेलो, जी पूजा जी, मैं मुरैना से बोल रही हूँ। बताएं सवाल करें। टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। जी, मेरे हस्बैंड है, उनको मतलब कफ की शिकायत रहती है। कफ की शिकायत रहती है। कफ काफी होता है मैम, और उनको प्यास और प्यास की भी प्रॉब्लम होती है उनको, और कफ और गैस बहुत होता गैस की है। प्रॉब्लम। और अच्छा, आप कफ कह रही हैं कब्ज कह रही हैं? लो, मैं बात कराती थी मेरे हस्बैंड से, आप बात कर लीजिए। लो हेलो, जी भाई, आपको कब्ज की प्रॉब्लम है या कफ की? नहीं, कब कब होता है, कब? कफ होता है। बलगम बलगम। ठीक हाँ जी, बलगम। है ठीक है। जी अच्छा देखिए, आप लिख ले, आप पत्नी हैं और आपको ज़्यादा फिक्र है पति देव की अपने, और ये नुस्खा 6-7 महीने इस्तेमाल करना है। एक चीज़ आती है सपिस्तान, सपिस्तान बहुत मशहूर एक सूखा हुआ फल है जिसे हिंदी में लिसोड़ा कहते हैं। सपिस्तान यानी लिसोड़ा 100 ग्राम खरीदें। एक चीज़ आती है उन्नाब, ये भी 100 ग्राम खरीदें और इसकी गुठली निकाल कर फेंक दें और इसका छिलका आप यूज़ करें। और एक आती है अलसी, ये भी महिलाएं अक्सर जानती हैं अलसी, ये 100-100 ग्राम ले लें। सपिस्तान उन्नाब अलसी और 30 ग्राम पीपले मिलाएं इसमें, अपने किचन के गरम मसालों में से। पीपले या पीपला मूल कहते हैं इन्हें, लंबी लंबी 1 सवा इंच की होती है, बड़ी खूबसूरत सी। और इनको पाउडर बनाकर सुबह नाश्ते से पहले 1 चम्मच खिलाएं और रात को खाने के बाद 1 चम्मच गर्म पानी से दें। और इनको खट्टी चीज़ खाने से रोक दें, कोई भी खट्टी चीज़ ना खाएं। ये आपके कफ के लिए है, 6-7 महीना खाना होगा। और पेट अगर आपका ठीक नहीं होता तो सौंफ, धनिया, सौंफ, धनिया, मेथी और अलसी, ये 4 चीज़ें लेकर, मेथी का दाना लेना, सौंफ, धनिया, मेथी, अलसी, इसका पाउडर बना के रख लें और रोज़ाना 1 चम्मच खाएं। और एक आता है नमक जैतून, ये नमक जैतून 1 चुटकी, असली लेना नमक जैतून, नकली बहुत आता है, 1 चुटकी पानी मिलाकर इस पानी से ये नुस्खा खाएं तो आपको दोनों फायदे होना मुमकिन है।